हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि सुबह जल्दी उठने से क्या बेनिफिट होता है और कैसे सुबह जल्दी उठ के आप किसी भी एग्ज़ाम में टॉपर बन सकते हैं या बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। सुबह लेट उठने से नुकसान क्या होता है? सबसे मेन नुकसान लेट उठने से ये होता है कि कोई भी आपका काम, कोई भी आपकी स्टडीज़ जो है वो लेट स्टार्ट होती है, और अगर वो लेट स्टार्ट होती है तो हमें हमेशा ये फीलिंग रहती है कि हमारे पास जो टाइम है वो क्या है, बहुत ही कम है, सारा दिन एकदम से निकल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से यही बात पूछते रहते हैं बार बार कि सर टाइम कैसे मैनेज करें, टाइम कैसे मैनेज करें, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। तो उसकी मेन वजह, सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होती है लेट उठना। अगर आप सही समय पर उठेंगे तो आपके पास खूब सारा टाइम रहेगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही आसान होगा, एंड ऑल यू गेट इज़ अ गुड टाइम थ्रू आउट द डे एंड यू गेट अ गुड अर्ली स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सुबह उठने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। इसमें देखते हैं पहली बात जो लिखी हुई है, नो नीड टू रश इन द मॉर्निंग। सुबह आप उठेंगे, अगर सही टाइम पे उठते हैं आप या जल्दी उठते हैं तो उससे क्या होगा, जहाँ भी आपको जाना है, आपको स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है या कहीं नहीं भी जाना है, तो आपको रश करने की उसकी ज़रूरत नहीं होगी। आप आराम से उठ सकते हैं, यू विल बी रिलैक्स्ड, लाइफ विल बी पीसफुल। तो हम लेट उठते हैं तो कैसे हम स्कूल के लिए भागते हैं, कैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भागते हैं, तो यू विल बी मच मोर रिलैक्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज यू विल एंजॉय ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी आपकी पहले से बहुत बेटर हो जाएगी क्योंकि आपने शुरुआत अच्छी की है, ऑटोमेटिकली इससे आपके ग्रेड्स जो है, आपके मार्क्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है गिव्स यू यू टाइम, यानी सुबह सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप खुद के साथ समय बिता सकते हैं, एंड यू कैन प्लान आउट योर डे। आप प्लानिंग कर सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं, और खुद से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। यू गेट मोर आवर्स ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो होता है इट इज़ अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिलती है। तो ऑटोमेटिकली जितने मोर आवर्स ऑफ सनलाइट आपको मिलेंगी उतना ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, और आप देखिएगा इससे आपकी हैप्पीनेस जो होगी वो पहले से इम्प्रूव हो जाएगी। यू विल गेट टू विटनेस अ सनराइज एंड सनसेट एवरी डे। अगर आप सनराइज़ रेगुलरली देखते हैं तो ऑटोमेटिकली काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड आप में डेवलप होगा। पीपल टेंड टू बी मोर क्रिएटिव इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग्स के अंदर हम क्या होते हैं, वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, हमारे दिमाग में ज़्यादा थॉट्स नहीं चलते, तो जो भी हम काम शुरू करते हैं उसमें हमारा फोकस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी सुबह उठने से हमारा फोकस बहुत अच्छा रहता है। अगेन 8 AM क्लासेस विल नो लॉन्गर विल बी स्केरी बिकॉज आपको, आप पहले ही उठ चुके हैं, तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द डे। आइए बात करते हैं इसके कुछ बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स के बारे में। सबसे मेन जो बेनिफिट इसका है वो है हेल्थ। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी हेल्थ के लिए टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और वो जो टाइम आपने स्पेंड अपनी हेल्थ के लिए किया वो सबसे मेन इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा जॉगिंग किया, आपने थोड़ी सी एक्सरसाइजेज की, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, इम्प्रूव होगा। अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा यानी बॉडी की एक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। आपके ब्रेन में क्या मिलेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा, और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा तो अगेन आपकी एक्टिविटी, मेमोरी पावर भी पहले से क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। इस वजह से आपका फोकस जो होगा कुछ भी काम करने में बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके अलावा अर्ली मॉर्निंग इज़ वेरी क्वाइट, अर्ली मॉर्निंग इज़ वेरी क्वाइट। इस क्वाइटनेस के अंदर हम पूरे दिन का प्लान कर सकते हैं, और उसके अलावा उस समय हम जो भी काम शुरू करते हैं हमारा फोकस उसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, ज़्यादा आलतू फालतू के विचार हमारे दिमाग में नहीं होते। तो जो भी हम काम शुरू करना चाहते हैं वो हम अच्छे से मज़े से कर सकते हैं। ये अगला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई हम करना चाहते हैं, अगर सुबह सुबह हमने 1 to 2 hours एक दो घंटे उसको प्रोवाइड कर दिए और हमारे काम की स्टार्ट हो गया, काम अगर हमारा स्टार्ट हो गया तो हमारे अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो जाती है सारा दिन काम करने के लिए, और इससे आपको फील होगा कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप हर चीज़ के लिए टाइम निकाल पाएंगे, आप मेहनत और अच्छे से कर पाएंगे, और सारा दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अब मैं आपको एक डेमो स्केड्यूल बताता हूँ, उस डेमो स्केड्यूल के हिसाब से आप अपना थोड़ा सा प्लान सेट कर सकते हैं कि कैसे आप मेहनत करें, कैसे आप पढ़ाई करें।
तो ये जो डेमो स्केड्यूल है इसमें मैं एज्यूम करूँगा कि आप स्कूल या कोचिंग जाते हैं मॉर्निंग में, और इसमें मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट अस से आपके स्कूल या कोचिंग का टाइम जो है वो 8 AM है। तो 8 AM अगर आपका कोचिंग का टाइमिंग है तो लेट अस एज्यूम, मैं जो बता रहा हूँ इसके हिसाब से आपको लगभग 5:30 से लेके 6 बजे इसके आसपास आपको उठ जाना चाहिए। सो वेकअप एट दिस टाइम। अब इसके बाद लगभग 6 से लेके 6:30 या 6:45 के आसपास तक डू सम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, थोड़ा जॉगिंग करना, कुछ भी करो लेकिन ये टाइम स्पेंड करो एक्सरसाइज में, फ्रेशन अप होने में, ताकि बॉडी क्या हो जाए अपनी एक्टिव हो जाए, तैयार हो जाए पूरे दिन को हैंडल करने के लिए। सो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके बाद 6:30 बजे लेटेस्ट से आप स्टार्ट करते हो तो 6:30 से लेके 7:15 या 7:30 तक आप जितना पढ़ पाए आप पढ़ें, यानी एटलीस्ट आप 1 घंटा स्कूल जाने से पहले या कोचिंग जाने से पहले ज़रूर रिवीजन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप उस टाइम को स्पेंड करें। ये जो 1 घंटा आप स्पेंड करेंगे इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप 5:30 की बजाय आप 5 बजे उठते हैं तो यहाँ पे आप स्टडी का टाइम ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, पर एटलीस्ट आप 1 घंटा सुबह सुबह ज़रूर निकालें। अगर सुबह सुबह आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ लेंगे तो उसके बाद पूरे टाइम स्कूल में आपका मन भी ज़्यादा लगेगा, एक्सरसाइज होने की वजह से जैसा कि मैंने बताया था ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगी, तो क्लास में आपकी अटेंटिवनेस जो होगी वो पहले से क्या होगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, जिससे ओवरऑल आपको क्लास में समझ में भी ज़्यादा आएगा। यू विल अंडरस्टैंड मच मोर, समझ में आपको ज़्यादा आएगा, समझ में ज़्यादा आएगा तो ऑटोमेटिकली घर आके आपका होमवर्क क्या होगा, जल्दी होगा, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। तो इसलिए सब कुछ सुबह से रिलेटेड है। सुबह अगर आप सही टाइम पे उठते हैं तो आप एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, आपको रश भी नहीं करना पड़ेगा, बॉडी भी आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, जिससे आप स्टडी करेंगे तो फोकस भी आपका क्या होगा, इम्प्रूव होगा, एंड फोकस इज़ द की टू सक्सेस। और सबसे मेजर बात, पूरा दिन होल डे आपकी अटेंटिवनेस बढ़ जाएगी, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आपके पास टाइम की कमी है। यू विल थिंक कि आपके पास बहुत टाइम है, तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा और आपको सुबह सुबह आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा कि आपने एक्सरसाइज की है, तो योर बॉडी इज़ फीलिंग गुड, एंड व्हेन द बॉडी फील्स गुड इट इज़ मोर अटेंटिव, इट इज़ मोर फोकस्ड, तो आपको क्लास में समझ में जल्दी आएगा और ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अब पॉइंट इज दैट, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सुबह जल्दी उठा कैसे जाए, हाउ टू वेकअप अर्ली, ऐसा कैसे करें। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू हाउ टू वेकअप अर्ली, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सभी को पता होता है कि देर आर सो मेनी बेनिफिट्स, पापा मम्मी भी आपको बताते होंगे, आपके सीनियर्स भी आपको बताते होंगे, लेकिन सुबह उठा कैसे जाए जल्दी, ये मैं आपको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड आई विल एंड अप दिस वीडियो विद दिस वेरी गुड कोट विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, A good start of the day is all you need. Okay guys, thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.